जो ज्यादती हुआ, जितना जुल्म किया गया और छात्रों के साथ जो जुल्म किए, इन लोगों ने जो हालात बिहार का बना के रखा 30 सालों में 40 सालों, और नीतीश बाबू के बारे में तो मुझे समझ में नहीं आता है। आज मुझको लगता है कि 71 दिन हमें हुआ दिल्ली के चौराहे पर, यूपी और बॉर्डर पे 12,000 अकाउंट्स में इंडिविजुअल स्तर पर मैंने पेमेंट डाले है और 30,000 लोगों के हाथ में पेमेंट मैंने दिया, 4,00,000 से ऊपर घरों तक मैंने किट्स पहुंचाए। जो हालात पैदा थे, एक तो केंद्र सरकार मन की बात जोग के अलावे उनको 70 दिनों के बाद इनको याद आया कि सबसे ज्यादा परेशान स्थिति कोई यदि है तो मजदूर है। मतलब 70 दिनों में इनको समझ में नहीं आई। सुशासन बाबू को 70 दिनों में बिहार और बिहारी की समझ नहीं आई। क्वारंटाइन की स्थिति इतनी बुरी है कि आप बता नहीं सकते क्वारंटाइन में कितने मौत हो गए, रेलवे में कितनी मौतें हो गई। रेलवे तो मौत का सौदागर बन गया। एक तरफ कोरोना वायरस के नाम पर इन लोगों ने इंस्पेक्टर राज कायम कर दिया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को कहा, मुख्यमंत्री ने डीएम को कहा, डीएम ने एसडीएम को कहा, एसडीएम ने थानेदार को कह दिया और उसके बाद डेमोक्रेसी को आप समाप्त कर दिए। आप आवाज अधिकार भी छीन लिया आपने, आपने अधिकार, मतलब मजदूर क्रांति ना करे, मजदूर आवाज ना उठाए उसके लिए लॉकडाउन लॉकडाउन। अरे यार, जब तुम्हारा पैसा खजाना खत्म हो गया और जब तुम्हारे पदाधिकारी को पैसा देने के लिए नहीं बचा तो अनलॉकडाउन वन शुरू हो गया, और वन लॉकडाउन वन में तुमने मजदूरों को 15,000 रुपया देने की भी बात नहीं की मन में। आपने 3 महीना मजदूर खाएंगे क्या, रोजगार क्या दिया जाएगा, उस पर बात नहीं किया। कोलैप्स हो चुकी है, नाकाम हो चुका। होली के पहले मजदूरों को और स्टूडेंट को जाने का आदेश देना चाहिए था कि आप पहले चले जाएं। अब आप जब लाखों दुनिया में हम 7वें 6वें नंबर पर आ गए कोरोना वायरस में, तब आप अनलॉकडाउन वन अनलॉकडाउन टू, इकोनॉमी पर कोई चर्चा नहीं, मजदूरों पर कोई चर्चा नहीं। तो हम तो कहेंगे कि अभी भी 30 से 35% मजदूर भूखे प्यासे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, केरल में। लगातार मेरी देश के मुख्यमंत्रियों से बात हो रही है, 5 बार बातचीत हमारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हुई, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री से हुई, 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री से हुआ। लगातार हम लोग बात कर रहे हैं और लगे हुए हैं। दिल्ली में बिहार यूपी झारखंड के लगभग मजदूरों को मैंने किट्स और पैसे पहुंचा दी। सर, लगभग बीजेपी द्वारा 9 तारीख से वर्चुअल रैली की शुरुआत की। भैया, मुझे तो समझ में नहीं आता है, इतना आत्मा इन लोगों का निर्लज हो चुका है। राजनीति इतनी गंदी होती है, चुनाव के समय सत्ता पक्ष और विपक्ष कितना गंदा खेल खेल सकता है। सुशील मोदी और विपक्ष एक, और नीतीश बाबू तो जीविका के माध्यम से उन्होंने पूरा का पूरा डिजिटल तैयारी शुरू कर दिया। शर्म नहीं आता, इतना दोगलाई। 4 महीने चुनाव बचे हैं, तब 56 दिन कहां थे जब मजदूर मर रहा था, क्वारंटाइन में खाना नहीं मिल रहा था, तब कहां थे, मजे ले रहे थे क्या? अपराध माफिया तो बिहार का तासीर बन गया हुआ है। 60 दिन कहां थे ये, जब करोड़ों मजदूर सड़कों पर थे, ट्रेन से कत्ल हो रहा था, मां के सामने मर गया था, तब कहां थे? इन लोगों ने, इनके खून में जहन में जहर है सिर्फ राजनीति और सियासत का। इन दोगलों को कोई मतलब गरीबों से, मिडिल क्लास से, कॉमन मैन से। 12 करोड़ बेरोजगार हो चुके हैं, 12 करोड़, और 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं मिलेगी 3 महीने के अंदर, उस पर कोई चर्चा।